फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान के रेल रोको आंदोलन के कारण भारतीय रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किए गए। याद दिला दें कि किसानों ने गुरुवार को देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। किसानों के इस ऐलान के बाद रेलवे और पुलिस सतर्क है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं देश भर में कोरोना के नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां इस महामारी ने परेशानी बरकरार रखी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में इस महामारी के कारण 40 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं केरल में 17 मौतें दर्ज की गई हैं। इस बीच देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। गुरुवार को ईंधन के दाम में 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 79.88 रुपए पर पहुंच गई है और डीजल प्रति लीटर 80.27 रुपए मिल रहा है। वहीं देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को असोहा के खेत में 3 दलित नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि 1 का इलाज कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में चल रहा है। भीम आर्मी से लेकर कांग्रेस तक सभी ने लड़की को दिल्ली एयरलिफ्ट करने की मांग की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंगलवार रात को दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवे पर एक बारात में उस वक्त मातम पसर गया जब एक बेकाबू कार ने कई बारातियों को रौंद दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब दुल्हन कार के सनरूफ पर डांस कर रही थी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।